कि जयपुर के अंदर एक बार मैंने एवर संदर्भपात के ऊपर बहुत जोर से प्रवचन दिया। मैंने कहा ये जो गर्भ बालक आए हैं इनको तुम हत्या करते हो गर्भ में, सागनगमा साक्षात मुनि की हत्या है, साक्षात आरिका की हत्या है। जो व्यक्ति मैं गर्भ में आकर के हत्या करते हैं वे साक्षात आरिका की हत्या करते हैं। बोलो उस कन्या में आरिका बनने की शक्ति है कि नहीं, और बेटे में मुनि बनने की शक्ति है कि नहीं? तो आपने बेटे की हत्या नहीं की है, आपने एक आरिका की हत्या की है। बेटी की हत्या नहीं की, आरिका की हत्या का पाप कितना है, मुनि की हत्या का पाप कितना है, आप सोचो। बेटे बेटी में जो योग्यता है वो राष्ट्रपति बन सकता है, अभी प्रताप पाटिल है और बन, तो आने वाली में उसमें नागरिकता है राष्ट्रपति बनने की। तो आपने बेटी की हत्या नहीं की, बेटे की हत्या नहीं की, आपने राष्ट्रपति की हत्या की। यानी जितनी योग्यताएं उस बेटे बेटी में होती हैं उन सारी की हत्या का पाप तेरे माथे मरेगा। अब बोलो ऐसे हत्यारे को जिसने एक मुनि की हत्या की हो, जिसने एक आरिका की हत्या की हो, जिसने राष्ट्रपति की हत्या की हो, जिसने मुख्यमंत्री की हत्या की हो, जिसने राज्यपाल की हत्या की हो, जिसने कलेक्टर की हत्या की हो, क्या क्या योग्यता है बोलो एक बेटे में। इन सारी योग्यताओं को एक तरफ रख लीजिए, इनके हत्यारों का पाप का फल एक बेटे और बेटी को जो गर्भ काटपात कराता है, इतने हत्यारों का हत्यारा है, बोलो इसकी क्या गति है। तुम तो कह रहे हो मैंने तो बेटी बेटी की हत्या की है, बेटे और बेटी की हत्या नहीं की है, तुमने आरिका और मुनि की हत्या की है, तुमने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की हत्या की है, तुमने राज्यपाल और कलेक्टर की हत्या की है, तुम कोई साधारण पापी नहीं हो। डॉक्टर इंजीनियर की हत्या की है, आप किसी को भी मान लीजिए, मछली बेच पेट जो भरते तुम उनके उनसे ज्यादा पापी हो। मछली बेच पेट जो भरते तुम उनको पापी कहते हो, तुम उनसे ज्यादा पापी हो जो अपने बेटों को मारा करते हो, बेटियों को मारा करते हो। एक मछली बेच कर पेट भरता अपन उनको पापी कहते हैं? मछली को मारने से कौन सा मुनि मार दिया, मछली को मारने पर कौन सा राष्ट्रपति मार दिया, मछली को मारने पर कौन सा मुख्यमंत्री मार दिया? क्योंकि मछली मुनि नहीं बनेगी, मछली राष्ट्रपति नहीं बनेगा, लेकिन बेटा और बेटी क्या बन